हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के एग्जामिनेशन की डेट रिलीज हो चुकी है, जिसमें कि यूडीसी के अभी एग्जाम होने वाला है 7 तारीख में, यानी कि कल ये एग्जाम होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। बहुत से कैंडिडेट को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की में प्रॉब्लम आ रही है, तो आइए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है और एग्जाम का वेन्यू क्या रहेगा, ये सब कुछ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल के अंदर नेट चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद jmi.ac.in ये टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो पहले आ रहा है jmi.ac.in, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये आप पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पेज के ऊपर आपने फर्स्ट पेज देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर क्लिक करने के बजाय आपको सीधा यहाँ पे आ जाना है, लेटेस्ट जॉब इसके ऊपर क्लिक करना है। लेटेस्ट जॉब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये देखिए लेटेस्ट जॉब, नीचे स्क्रॉल करेंगे ये देखिए आप, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर टीजीटी उर्दू इन सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी, ये नोटिफिकेशन 1 नवंबर में रिलीज हुआ है। नीचे आएंगे आप, यहाँ पर देखिए नोटिस, शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, जस्ट ए मिनट, नीचे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ अपर डिविजन क्लर्क इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखेंगे नीचे क्लिक हियर फॉर द डिटेल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये PDF ओपन हो जाएगी। न्यू टैब के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सिलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये एक नोटिस है जिसमें बताया गया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए द रिटन टेस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ अपर डिविजन क्लर्क UDC एडवर्टाइज वाइल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023-24 एंट्री डेट 29/4/2023 में ये जो नोटिस रिलीज हुआ है, जस्ट अ मिनट एंड लेते हैं, ये जो नोटिस रिलीज हुआ है यहाँ पर 29 अक्टूबर में ये नोटिस रिलीज हुआ था, इसका शेड्यूल हुआ है एग्जाम का 7/11/2023 में ये एग्जाम होने वाला है। अब तक 10:30 मॉर्निंग में 10:30 AM से 12:30 PM तक ये आपका एग्जाम होगा, जिसकी टाइम की टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 85 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नीचे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नोटिस में यहाँ पर दिया गया है 2 घंटे के अंदर आपको 85 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसके अंदर क्या आएगा रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि कल एग्जाम है आप सबको पता होगा, जिस कैंडिडेट को नहीं पता है वो कैंडिडेट थोड़ा सा उसको आज रिवीजन कर लेगा। तो एबिलिटी सिंपल अर्थमेटिक आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इन हिंदी इंग्लिश उर्दू अवेयरनेस ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर के आप वो क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू उसका देख सकते हैं। अब बात करेंगे एक्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया किस एक्ट के तहत इसका फाउंडेशन हुआ, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया सबसे पहले एस्टेब्लिश कहाँ पर हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लेना। ऑर्डिनेंस एंड जनरल यूनिवर्सिटी रूल्स, कंपैरिजन, नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट GRF 2017 और एडमिशन एंड एग्जामिनेशन ETC, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेना अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहा है, जो आसपास जो भी रहता है, थोड़ी सी इसके ऊपर स्टडी करके जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपको फिर पछतावा नहीं होगा इस बात का कि काश हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करके चले जाते, थोड़ा सा पढ़ के चले जाते। ये एग्जाम के अंदर आएंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप थोड़ा इसको देख लेना। तो चलिए ऊपर पढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ आप कुछ कैंडिडेट क्या होंगे, सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे। अपना एक आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड भी लेके जाएं, या कोई भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो अपना साथ में लेकर जरूर जाएं, और 3-4 फोटो भी लेके जाएं। फोटो की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फिर भी आप 3-4 अपने फोटो साथ में लेकर जरूर जाएं। तो चलिए अभी हम बताता हूँ आपको कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपने jamia.ac.in, ये पहले स्टार्टिंग में आपने लिंक ओपन किया था, बाद
फिर से हम रिटर्न उसी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई देखिए ये दिखा है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3/11/2023 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द रिटर्न ऑफ रिटर्न फॉर द रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर हमने जैसे क्लिक किया नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वेट करिए थोड़ा, ये देखिए ये नेक्स्ट टैब पे आ गए हम, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये देखिए सेलेक्ट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यूडीसी, क्योंकि अभी तक यूडीसी का ही एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मांगेगा ही, जस्ट मिनट, कुछ डिटेल मांगी, एंटर नेम, किसी भी कैंडिडेट ने अगर भरा है, देखो मैं अल्फाबेट कोई भी ए नाम डाला मैंने यहाँ पे, किसी का भी नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी ने भरा है हम मानते हैं टी, टी से हमने लिया, कोई कैंडिडेट है नहीं, जे एम डाला हमने, तो एम से कुछ कैंडिडेट आ गए यहाँ पर, तो हम इसको देख लेते हैं, एम ओ एच डी डाल के देखते हैं पहले, एम ओ एच डी डाला तो कुछ बच्चे आ गए यहाँ पर। तो ये देखिए सबसे पहले हम यही ले लेते हैं आज़ाद मोहम्मद, उसके ऊपर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर आज़ाद मोहम्मद का, क्योंकि सिर्फ नाम आएगा यहाँ पर, अगर उस कैंडिडेट ने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला इस एडमिट कार्ड को, कोई भी अदर कैंडिडेट कोई इसको डाउनलोड नहीं कर सकता, उसी कैंडिडेट को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तभी यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देखिए J0 कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद ये जो सर्च लिखा है, सर्च के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पर व्यू लिखा आएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल के एग्जाम के लिए सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेहनत करनी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर लें।